हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फूडीज किचन। आज मैं यूनिक क्रिएटिविटी इनकी रिक्वेस्ट पर साउथ इंडियन स्टाइल आलू फ्राई की रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरे चैनल की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए इसे बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक साउथ इंडियन मसाला बनाएंगे। उसके लिए हमें चाहिए एक छोटा चम्मच उड़द की दाल, एक छोटा चम्मच चना दाल, एक छोटा चम्मच जीरा और 8 से 10 काली मिर्च। अब हम एक पैन में चना दाल, उड़द दाल, काली मिर्च 8 से 10 और जीरा डालकर इसे मीडियम आंच पर अच्छे से भुनेंगे जब तक ये हल्के गोल्डन ना हो जाए और इसमें से एक अच्छी खुशबू ना आ जाए। फिर हम इसे एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में निकाल कर पीस कर साइड में रख देंगे। इसके अलावा हमें चाहिए 2 कप आलू। आलू को अच्छे से छील ले, फिर उसे बारीक टुकड़ों में कट कर ले। आप चाहो तो लंबे टुकड़े भी कट कर सकते हो। 1/4 कप बारीक कट करा हुआ प्याज, 1/2 छोटा चम्मच सरसों, 2 छोटी चम्मच बारीक कट करा हुआ लहसुन, 1 छोटा चम्मच बारीक कट करी हुई हरी मिर्च, करी के पत्ते 1 छोटा चम्मच, 1 बड़ा चम्मच धनिया बारीक कट करा हुआ, नमक स्वाद अनुसार 1 छोटा चम्मच, 2 छोटी चम्मच तेल, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच जीरा पाउडर। सबसे पहले हम एक पैन में 2 बड़ी चम्मच तेल लेकर इसे गर्म होने देंगे। तेल गर्म होते ही हम इसमें सरसों, बारीक कट करी हुई हरी मिर्च, बारीक कट करा हुआ लहसुन और करी के पत्ते डालकर 1/2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। फिर हम इसमें बारीक कट करा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को भी हल्का कलर चेंज होने तक फ्राई कर लेंगे। अब हम जो आलू हमने कट करके रखे थे वो डाल देंगे, साथ ही साथ इसमें हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार 1 छोटा चम्मच भी डाल देंगे और जो मसाला हमने अभी पीस कर लिया था वो यहाँ पर डाल देंगे। ये मसाले से आलू फ्राई में बहुत ही अच्छा साउथ इंडियन फ्लेवर आता है। इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब हम इसे ढक कर 8 मिनट तक मीडियम आँच पर पकने देंगे। 8 मिनट बाद हम लोग एक बार खोलकर चेक कर लेते हैं, आलू अच्छे से पक चुके हैं। अगर आप नॉनस्टिक पैन यूज़ कर रहे हो तो आप डायरेक्टली इसे ढककर रख सकते हो। अगर आपका पैन नॉनस्टिक नहीं है तो आप थोड़ा सा पानी यहाँ पर डालकर ही इसे ढककर पकाएं। फिर इसमें बारीक कट करा धनिया भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लें। हमारा साउथ इंडियन स्टाइल आलू फ्राई बनकर तैयार है। इस पर हल्का सा नींबू का रस अगर आप डालोगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो के नीचे लाइक के बटन को क्लिक करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। बाय बाय।